हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मिस्टर महादेव चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है मोटो डे सेल, और ये सेल 18 से 22 जून तक ये सेल रहने वाला है। और इसी सेल में आपको काफी तगड़े मोबाइल्स पे काफी तगड़ा ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आपको काफी सारे बैंक के ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा, SBI के, HDFC के और कोटक के, बैंक ऑफ बड़ौदा के, ऐसे 4-5 कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आपको काफी तगड़ा ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा। सो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ जितने भी ऑफर देखने के लिए मिलेंगे मोटो के मोबाइल पे, उसमें आपको कौन सा मोबाइल परचेस करना चाहिए प्राइस पॉइंट के हिसाब से, कौन सा मोबाइल नहीं परचेस करना चाहिए। सो पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा इस वीडियो में। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है और आप चैनल पर न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबा लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और मोटो डे सेल के बारे में पूरी डिटेल के साथ आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटो G22 मोबाइल के बारे में, और इस मोबाइल में हीलियो G37 के चिपसेट देखने के लिए मिलता है 10,000 के रेंज में। इस मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस मत करना, इसको इसमें आपको बहुत ही खराब स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको मत परचेस करना। आगे अभी वीडियो देखते रहो, आपको काफी तगड़े मोबाइल देखने के लिए मिलेगा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। सो नेक्स्ट मोबाइल की बात करें तो यह मोटो G31 मोबाइल, इसमें आपको 13,000 की प्राइसिंग मिलती है, लेकिन इस सेल में आपको 11,000 में देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ इसमें आपको कोटक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करोगे तो आपको 1,000 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा, डेबिट कार्ड पे आपको 1,100 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी आपको 1,100 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा। तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, अगर आप तीनों में से अवेलेबल रहेगा जो कार्ड उसका यूज कर सकते हो, काफी अच्छा ऑफर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ 9,800 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये मोबाइल। सो इस मोबाइल में डिजाइन काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है, एमोलेड स्क्रीन सेंटर कंट्रोल डिस्प्ले के साथ देखने के लिए मिलता है, मीडियाटेक हीलियो G88 के चिपसेट देखने के लिए मिलता है, और 9,000 में इस मोबाइल में काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए मैं इसको ऐड किया। और मैं बोला था मोटो G22 मत लेना, क्योंकि उससे बैटर आपको निकल के ये आ रहा है। और इसमें आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, 50+8+2 कैमरा सेटअप, फ्रंट में आपको 13 मेगा देखने के लिए मिलेगा मेगापिक्सल, और 5,000 mAh की बड़ी बैटरी, 20W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलेगा। ऑल ओवर इसमें आपको क्लियर स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। 9,000 में इस मोबाइल को डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट मोबाइल की बात कर लेते हैं, मोटोरोला G82 5G मोबाइल। ये मोबाइल की प्राइस 21,500 है, लेकिन इस सेल में आपको इसमें SBI का क्रेडिट कार्ड यूज करो तो 1,500 ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये मोबाइल 19,999 में देखने के लिए मिल जाएगा। 20,000 में इस मोबाइल को डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको डिस्प्ले काफी तगड़ा देखने के लिए मिलता है, POLED पैनल देखने के लिए मिलता है, काफी बेस्ट है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाले चिपसेट देखने के लिए मिलता है। चिपसेट यहाँ थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कमी देखने के लिए मिलती है, 4K 30fps का वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रोवाइड नहीं करता है चिपसेट, इसलिए चिपसेट थोड़ा डिसेंट है, लेकिन इस मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। स्क्रीन काफी तगड़ी है, 5,000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है, बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप 50+8+2 देखने के लिए मिलता है, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, और इसमें डबल स्टूडियो स्पीकर 6128 वाला वेरियंट आप 20,000 में डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट मोबाइल की बात करें तो ये मोटो H20 Fusion, ये इसकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं 20,000 है, लेकिन इस सेल में आपको दो कार्ड का यूज कर सकते हो, कोटक का और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी। जैसे कि आपको कोटक का क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो 1,500 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा, डेबिट कार्ड यूज करोगे तो 1,000 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का यूज करोगे तो आपको 1,500 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा। ये तीनों में से आप कोई भी कार्ड का यूज कर सकते हो, आपको काफी तगड़ा ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा, और ये मोबाइल 17,499 में ये मोबाइल मिल जाएगा। सो 17,500 के रेंज में इसमें काफी क्लियर स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, तो इस मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। इसमें एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। सो इस मोबाइल के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जा सकते हो। और इसमें आपको देखने के लिए मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U वाला चिपसेट देखने के लिए मिलता है, जो कि इसमें आपको 12-13 5G बैंड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा +8+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप, फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, 5,000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगी। सो इस मोबाइल में आपको क्लियर स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, 17,500 के रेंज में इस मोबाइल को डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट मोबाइल की बात कर लेते हैं, यहाँ मोटो G60 मोबाइल, इसमें भी आपको काफी बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे, 6128 वाला वेरिएंट आपको 18,000 में देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको इस सेल में 15,000 में देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी अगर आपको कोटक का क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो 1,500 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा, डेबिट कार्ड यूज करोगे तो 1,000 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा, और बैंक ऑफ बड़ौदा का यूज करोगे तो 1,500 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा। सो इसमें आपको काफी बेस्ट ऑफर देखने के लिए मिल जा रहा है, कोई भी कार्ड यूज कर सकते हो, 13,500 में इस मोबाइल को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। जैसे इसका डिजाइन काफी अच्छा, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, IPS LCD पैनल के साथ, तो कमी नहीं है, अगर 13,000 में मिल रहा है तो डेफिनेटली काफी बेस्ट है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट देखने के लिए मिलता है, काफी बेस्ट एंड तगड़ा चिपसेट है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसमें आपको मोबाइल में कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसे कि आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो,
फ्रंट में आपको 32 मेगा पिक्सल देखने के लिए मिलेगा, 6000 mAh की बड़ी बैटरी, 20 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि आपको 13000 के रेंज में 108 मेगा पिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है। चिपसेट काफी अच्छा है, फ्रंट कैमरा काफी अच्छा है। इस मोबाइल को डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो, इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आपको लेना रहेगा तो डेफिनेटली परचेस कर लेना। नेक्स्ट मोबाइल की बात कर लेते हैं, इसमें आपको ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। मोटो C40 ये आपको 10000 में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस मोबाइल से बेटर आपको मोटो G31 देखने के लिए मिलेगा। सो उस मोबाइल को आप परचेस कर सकते हो, मोटो G40 को इग्नोर कर देना। इसके अलावा और मोबाइल देखने के लिए मिल जाएंगे मोटो G52। इसमें आपको 14500 में देखने के लिए मिलता है, लेकिन इससे बेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा मोटो G82। उस मोबाइल को परचेस करना है थोड़ा प्राइस एक्सटेंड करके, लेकिन ये मोबाइल भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा मोटो G52। सो ये आपको 14500 के रेंज में देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको HDFC का कार्ड यूज करो तो आपको 1000 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा इसमें ऑफर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और 13499 में मिल जाएगा। सो 13500 में इस मोबाइल को डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको स्क्रीन काफी तगड़ी देखने के लिए मिलती है। 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ OLED पैनल देखने के लिए मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाले चिपसेट देखने के लिए मिलता है। बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप 50+8+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलेगा, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जर। सो इस मोबाइल को परचेस कर सकते हो, आपको देखना आपके प्राइस पॉइंट के हिसाब से कौन सा मोबाइल बेटर है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कौन सा मोबाइल आप परचेस कर सकते हो। आपको सभी मोबाइल के बारे में बताने वाला हूँ, जो लेने लायक है और जो लेने लायक नहीं है, पूरी डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट मोबाइल की बात कर लेते हैं, ये है मोटोरोला H30 Pro। इसकी प्राइसिंग आपको 45000 देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इस पे आपको SBI का कार्ड यूज करो तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपको 5000 का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ, 5000 का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका डिजाइन काफी बेस्ट होने वाला है। इस प्राइस रेंज में 8 Gen 1 वाला चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 काफी तगड़ा चिपसेट है। 40000 के रेंज में इस मोबाइल को परचेस कर सकते हो। 50+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको 60 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि 60 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाएगा। सो कैमरा सेटअप आपको एक्सलेंट मिलेगा, टॉप क्लास का देखने के लिए मिल जाएगा। 4800 mAh की बड़ी बैटरी, 68 वाट का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलेगा। डबल स्टूडियो स्पीकर के साथ काफी तगड़ा, अगर 40000 के रेंज में इस मोबाइल को लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई भी कमी नहीं है इस मोबाइल में। नेक्स्ट मोबाइल की बात कर लेते हैं, ये है मोटोरोला G40 Fusion। जी गाइस, इसकी प्राइसिंग 13500 आती है, लेकिन इससे बेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा मोटो G60 देखने के लिए मिल जाएगा। सो मैं रिकमेंड करूंगा मोटो G60 परचेस करो, और काफी तगड़ा उसमें जो स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट मोबाइल की बात कर लेते हैं, ये है मोटोरोला Edge 20 5G मोबाइल। ये मोबाइल 25000 का है, लेकिन इसमें आपको 1-2000 का ही ऑफ देखने के लिए मिलेगा। सो 23000 के रेंज में इस मोबाइल को डेफिनेटली मत परचेस करना, क्योंकि आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 वाला चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि 144Hz का रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड पैनल के साथ। अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है तो इस मोबाइल के साथ डेफिनेटली जा सकते हो, लेकिन इसमें आपको जो पहले ही मैं बताया काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन वाले हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से, सो वो सब मोबाइल की तरफ जा सकते हो। और अगर 16000 के रेंज में 778 वाला चिपसेट चाहिए तो आपको मिल जाएगा रियलमी 9 स्पीड एडिशन, फ्लिपकार्ट पे देखने के लिए मिल जाएगा। 16000 में आपको 500 कमी देखने के लिए मिलेगा, 15000 में काफी तगड़ा वाला मोबाइल मिल जाएगा। सो इस मोबाइल को डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट मोबाइल की बात कर लेते हैं, ये मोटोरोला Edge 20 Pro मोबाइल, जो कि इसकी प्राइसिंग आपको 33000 देखने के लिए मिलेगी। 33000 में आपको देखने के लिए मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 वाला चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 33000 ज्यादा ही प्राइस हो गया। इस मोबाइल को आप इग्नोर कर देना, बिल्कुल भी मत परचेस करना। IQ Neo 6 परचेस कर सकते हो, IQ 9 SE परचेस कर सकते हो, और Realme GT 2 परचेस कर सकते हो। इस सब में आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, और ये मोबाइल ऑफर में आपको 30000 के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। तो उस सब का वेट कर लेना सेल का, और उसी मोबाइल को परचेस करना, क्योंकि आपको अगर जल्दी लेना है तो IQ Neo 6 भी ले सकते हो, आपको 30000 के रेंज में देखने के लिए मिलता है। सो इसमें काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं, आपको तीनों में से कोई भी मोबाइल परचेस करना है कर लेना चाहिए मोटो को छोड़ के। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ आते हैं, मोटोरोला G51 5G मोबाइल। ये मोबाइल की प्राइसिंग आपको 13500 देखने के लिए मिलता है, लेकिन सेल में आपको 12000 में देखने के लिए मिलेगा। और इस पे आपको कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक ऑफ बड़ौदा का 3 यूज कर सकते हो। जैसे कि कोटक के डेबिट कार्ड में आपको 1000 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा, कोटक के क्रेडिट कार्ड में आपको 1350 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा, और बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्ड में आपको 1350 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आपको ये मोबाइल 12149 में देखने के लिए मिल जाएगा। सो इस प्राइस रेंज में इस मोबाइल को अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने के लिए मिलता है, HD+ रिजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलता है, और चिपसेट में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 वाला चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी तगड़ा चिपसेट है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस मोबाइल को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, 50+8+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलेगा, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 720W का फास्ट चार्जर। सो इस मोबाइल को अगर आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो, नहीं तो आपको जो पीछे साइड बताया काफी सारे मोबाइल उसमें से आपको परचेस कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट मोबाइल की तरफ आते हैं, ये मोटोरोला G71 5G मोबाइल। ये मोबाइल काफी तगड़ा है, जो कि इसमें आपको 18,000 इसकी प्राइसिंग देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस मोबाइल 18,000 में इस मोबाइल को डेफिनेटली आप मत परचेस करना। इसके अलावा अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो पोको X4 प्रो 5G वाला परचेस करना चाहिए या मोटो G82 5G मोबाइल परचेस करना चाहिए। ये दोनों में से आप एक परचेस कर सकते हो, लेकिन आपको मोटो G71 5G मोबाइल छोड़ देना चाहिए। आपको उसके अलावा दूसरा मोबाइल परचेस कर लेना चाहिए। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ आते हैं तो आपको मिल जाएगा मोटो H30 मोबाइल देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि इसकी प्राइसिंग आपको 26,000 देखने के लिए मिलता है। इसमें भी आपको सेम चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 वाले चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। प्राइस के हिसाब से 26,000 में आजकल मिल जाता है 870 वाले चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है। तो ये मोबाइल को भी इग्नोर कर देना। सो इसमें आपको जितने मोबाइल्स के बारे में बताया तो आप उन सभी से एक परचेस कर सकते हो, और जितने मोबाइल के मैं बोला आप मत परचेस करना उसको आप डेफिनेटली मत परचेस करना, आपका पैसा बच जाएगा। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ और लाते रहूंगा। और आप न्यू हो तो चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।